हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो दोस्तों, सपना चौधरी को टक्कर देने अब एक और कलाकार आ गई है और उनका नाम है प्रांजल दहिया। तो दोस्तों, यह पहले टिकटॉक में आया करती थी और अब इन्होंने हरियाणवी गानों का रुख किया है। तो दोस्तों, वैसे तो इन्होंने पंजाबी गानों में भी काम किया है, लेकिन आजकल यह हरियाणवी गानों में ज़्यादा दिख रही हैं और इनका जो भी गाना आ रहा है वह काफ़ी हिट हो रहा है। तो दोस्तों, अभी इनका अक्टूबर में गाना रिलीज हुआ था 52 गज का दामन। तो दोस्तों, इसको 23 करोड़ लोगों ने यूट्यूब में देख चुके हैं। तो अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि अब सपना चौधरी को एक टक्कर देने आ गई है प्रांजल दहिया। तो दोस्तों, अब देखते हैं इन दोनों में से कौन आगे निकलता है। और सपना चौधरी शादी के बाद और बच्चा होने के बाद अब फिर अपने काम पर लौट आई हैं और उनके अभी 2-3 गाने अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं। तो दोस्तों, प्रांजल दहिया जो है पहले टिकटॉक में काम करती थी, फिर उन्होंने पंजाबी गानों में भी काम किया है, लेकिन अब वह हरियाणवी गानों में ज़्यादा चलने लगी हैं। तो दोस्तों, 52 गज का दामन जो गाना है वह काफ़ी हिट है, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रांजल दहिया जो है वह काफ़ी एक्टिव रहती हैं अपने सोशल मीडिया पर और अपनी कई फ़ोटो वह अपलोड करती रहती हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में भी उनके कई फॉलोवर हैं, कम से कम 3 लाख उनको फॉलोवर हैं। तो दोस्तों, यही मेरे पे एक लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।